हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। और मैं अभी करने जा रही हूँ अपने बेडरूम की क्लीनिंग। तो मुझे ना ऊपर जैसे दीवार वगैरह है वो कुछ पहले ही साफ़ हो चुका था, लेकिन बेड ड्रेसिंग ये सब कुछ ना मुझे क्लीन करना है। तो यहाँ पे बेड का मैं बेडशीट नहीं हटाई हूँ, बिकॉज़ इस पर बहुत सारे डस्ट आएंगे और इसको मैं वॉश करने के बाद दूसरा बेडशीट डाल दूँगी। और यहाँ स्पर्श आ गया है, तो ये जो स्पर्श ने लिया है ना, इसका कॉइन्स इसमें, यहाँ पे जब भी आता है ना यहाँ कॉइन्स उसमें डालता है, तो उसकी दादी जी ने ख़रीद के दिया है, तो उसमें वो बहुत से देखिए निकाल भी रहा है वो। और दूसरी साइड मैं क्लीन भी उसमें के सारे सामान निकालने के बाद कपड़े से साफ भी कर दे रही हूँ, एंड उसके बाद ये एक्स्ट्रा जो सामान है उसको मैं निकाल दे रही हूँ साइड में। और ये थैला है दो, तो मैं सोच रही हूँ रख देती हूँ क्योंकि कभी कभी यूज़ में आ जाता है। और ये एक बास्केट है लॉन्ड्री बैग जो यहीं पे रहता है। जब स्पर्श थोड़ा छोटा था तो मैं उसके बहुत सारे पैंट्स वगैरह कपड़े वगैरह डाल के इसी में रखती थी, तो अभी यूज़ नहीं हो रहा है तो फिर भी मैंने उसको उसमें डाल दिया है। और उसके बाद स्पर्श कॉइन्स निकालने में बिज़ी हो गया है, वो उसी का है उसको पता है, तो फिर मैंने उसको उसमें डाल दिया और उसको मैं डाल दूँगी बेड में। तो वो उसका फेवरेट है, जब भी यहाँ आता है तो उसके पास रहता है। इसके पहले जब आया था ना एक बार, तो वो उसको लेके सोता था, लेके उठता था, जहाँ जाएगा उसको लेके जाएगा, ऐसा था। एंड उसके बाद ये जो बेड का बीच वाला पार्ट है तो ये थोड़ा सा ना लंबा है, तो इसको क्लीन करने में थोड़ा सा ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ। तो ये जो मैंने निकाला ये म्यूज़िक सिस्टम है, तो ये चार्ज होता है और उसके बाद बजता है, तो मैंने इसको इसमें ही डाल दिया था। एंड ये भी थैला है, तो मैं थैले को एक साइड में कर दे रही हूँ। एंड ये मेरी कुछ डायरी हैं, बुक्स हैं, तो मैं पहले इसको, हाँ स्पर्श बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मेरा, ये जो रिपोर्ट कार्ड था वो ले लिया उसने, तो मैंने इसको बोला रख दो। फिर मम्मी ने उसको ला के कुछ खिला रही है, और पता नहीं क्या खिला रही है ना, मुझे याद नहीं है, कुछ शायद खिला रही और वो नहीं खा रहा है। यहाँ पे मेरी बुक्स, मतलब एक ना मेरी सहेली ऐसा करके ना मैंने बुक्स रखा है, और मेरी डायरीज़ वगैरह हैं, पेन है, तो ये इसके पीछे का स्टैंड है, बट मैंने सोचा कि लगा दूँ, लेकिन वो लगने लायक नहीं है पूरी तरह से। मतलब मैंने अभी इसका फ़ोटोज़ वगैरह भी अलग अलग था, मैंने कुछ देर पहले उसको सेट किया था। एंड यहाँ पे जो डब्बा है इसको भी मैं निकाल ली, और इन यहाँ पे बहुत सारे सामान थे, डस्ट बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो मैं धीरे धीरे इसको क्लीन भी करते जाऊँगी। और यहाँ पे ये जो डब्बे में मैं एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ, कुछ ना कुछ रखा हुआ है, जैसे जो रैपिंग पेपर होता है वो रखी हूँ। और यहाँ पे एक कड़ा था तो उसको मैंने ट्राई किया, और मैं अपनी देवरानी से न्यूज़पेपर मांगी थी तो उसको मैंने उसे मांगा तो वो ला के दी अभी। एंड उसके बाद ये कुछ कागज़ है, सिम कार्ड का रैपर वगैरह है, तो इस डब्बे को मैं फाइनली क्लीन करके और उसके बाद मैं इसमें भी छा दे रही हूँ पेपर, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आई थी ना तो इसको मैं साफ़ तो की थी, अच्छे से साफ़ नहीं की थी, बस मैंने चेक कर लिया था क्या मतलब फेंकने लायक है, तो ऐसे कुछ किया था। उसके बाद इसको मैं अच्छे से पेपर वगैरह भी छा दे रही हूँ। एंड दूसरी साइड में ऊपर अपना मेरा पर्स देख रहा है, तो मैं कल गई थी मार्केट, तो वो मैं लेके गई थी, लाने के बाद मैं वैसे ही रख दी हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा था ना रैपिंग पेपर, जो मतलब ख़राब सा लग रहा था, मैंने थ्रो कर दिया है। एंड यहाँ पे कुछ पेन वगैरह भी है, तो पेन को मैं देख रही थी कि कौन सा मतलब यूज़ लायक है कौन सा नहीं है, तो मैंने रैपिंग पेपर इस तरीके से सेट कर दिया है। एंड डब्बा भी खाली हो चुका है, कुछ जो सामान एक्स्ट्रा थे वो फेंक दिए। और ये जो बुक्स है ना, ये स्केचिंग एंड पेंटिंग की है, तो मैं सोची कि इसको मैं स्पर्श को दे दे रही हूँ, क्योंकि ये जो बुक्स है ना ये मेरा है, तो मैं बहुत पहले ऐसे मैं लेके आई थी, कुछ ना कुछ करती रहूँगी मतलब अपने मायके से, लेकिन ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो फिर मैंने उसको रख दिया। यहाँ पे जो मेरे बुक्स थे, डायरी थी, उसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। एंड ये जो थैला मतलब जो भी है, ये फ़ैन है, गर्मी में यूज़ होता है, बहुत पहले का फ़ैन है, तो यहाँ पे पहले मैं सोची थैला रख देती हूँ। एंड ये जो म्यूजिक सिस्टम है ये भी बिल्कुल अच्छा है, तो इसको मैंने ऐसे सेट कर दिया है। एंड उसके बाद ये जो फ़ैन है, ये मम्मी गर्मियों में निकालती हैं, तो इसको मैंने इसी में रख दिया, क्योंकि फिर गर्मी आएंगी ना तो यूज़ तो होनी है, उस टाइम पे ऐसा लगता है फ़ैन मिल जाए। एंड उसके बाद जो बेड का जो बीच वाला पार्ट था, उसको मैं अच्छे से डस्ट वगैरह सब कुछ साफ़ कर ले रही हूँ। एंड ये जो कॉइन वाला था ना, इसको भी मैं अंदर डाल दे रही हूँ। तो फाइनली यहाँ की जो क्लीनिंग है वो हो चुकी है। एंड उसके बाद में आ गई ये गोदरेज, आज तो गोदरेज के ऊपर वाला साफ ना मेरी देवरानी ने कर दिया था, मम्मी एंड देवरानी ने मिल के,
तो इसको बस मुझे फोल्ड करना है ऐसे। फोल्ड करने के बाद मैं जो थोड़ा सा डस्ट था उसको मैं निकाल दे रही हूँ, और साथ ही साथ मैं बात भी किए जा रही हूँ। मम्मी यहाँ पे सामने बैठी हुई थी, तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि यहाँ का पेंट जो है ना वो निकल रहा है, तो वही मैं दिखा रही थी। एंड उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि ड्रेसिंग वगैरह साफ़ कर लूँगी पहले। अभी मुझे बेडशीट तो हटाना है, बट मैं थोड़ी देर बाद हटाऊँगी क्योंकि ड्रेसिंग के भी सामान मुझे निकालने हैं। एंड ये साइड वाला रह गया था, तो इसको मैं जा रही हूँ अभी साफ़ करने। तो इसमें बहुत ज़्यादा सामान रहता है मेरा, एक्स्ट्रा जितना भी सामान होता है ना मैं लाके इसमें भरते जाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ फ़ोटोज़ मिले हैं, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये कैसा है, आप लोग देखो। तो ये मेरी शादी के बाद का पिक है, तो ये एक पिक है जो मतलब मुझे याद ही नहीं था यहाँ पे मैं रखी हूँ, बट रखा हुआ यहीं पे है। तो आप लोग बताना ये कैसा लग रहा है, ये हूँ मैं। एंड उसके बाद बहुत सारे पिक है तो आपको देखना होगा, तो आप लोग बताना, बट मैं ये दो तीन दिखा दे रही हूँ। और ये है मेरी पिक जो शिमला की है, तो फाइनली मैं इसको रख दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा ना दिखाने का टाइम नहीं था, शाम होने वाला है इस टाइम पर, इसी वजह से। उसके बाद ऊपर का जो गोदरेज के ऊपर का जो सामान था जो मैं बेड के नीचे रखती थी, मतलब बेड पे रखती थी पीछे साइड में, तो उसको मम्मी ने ऊपर रख दिया था बिकॉज इस पॉशीना सब कुछ फोड़ फाड़ देता है और तोड़ भी देता है। तो मम्मी आने से पहले ही ऊपर रखवा दी थी, लेकिन उसको मैंने नीचे भी रखा, फिर जाऊँगी तो देखूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं भुट्टा खाने जा रही हूँ बीच में ही। मैं भुट्टा खाने के बाद फिर से मैं यहाँ पे ना ड्रेसिंग का क्लीनिंग करने लगी, तो ड्रेसिंग के जो सामान थे वो सब कुछ मैं निकाल रही हूँ। मीन्स ऊपर के बहुत सारे सामान भर गए थे, तो वो सब मैं हटा दे रही हूँ। और यहाँ पे एक मेरा फ़ोटो फ्रेम है, जो पीछे का जो स्टैंड है वो भी निकल चुका है। एंड ड्रेसिंग को मैं पूरी अच्छी तरीके से सामान सारा कुछ निकाल के इसको अच्छे से डस्टिंग वगैरह करूँगी, एंड उसके बाद इसमें सारा सामान जो भी मेरे को रखना है वो रखूँगी, वरना जो मुझे हटाना है वो सब मैं हटा दूँगी। तो यहाँ पे ऊपर में मुल्तानी मिट्टी, स्क्रबर वगैरह बहुत कुछ है। यहाँ पे 3 पॉन्ड्स का पाउडर रखा हुआ है, बट मेरे को लगा नहीं ये ख़राब हो चुका है, मीन्स ये ख़राब हो ही गया होगा, मेरी शादी के टाइम का है सब कुछ, मैं उसको हटा दे रही हूँ। ये वाला ऑयल ठीक है, अभी मैं लास्ट टाइम आई थी तो ली थी, तो इसको मैं रखूँगी। यहाँ कुछ बिंदी के पत्ते थे, तो इसको मैं देख रही हूँ कौन सा रखना है कौन सा हटाना है। और यहाँ बेड पे दिख रही है मेरी देवरानी, वहाँ बैठी हुई है, एंड सामने दिख रहा है ट्राईपॉड, तो यहाँ पे जो ख़राब था उसको मैंने हटा दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे सिंदूर है, तो पता है ये सिंदूर बहुत पुराना है, तो आप लोग ये बताना कि आप लोग पुराने सिंदूर का क्या करते हो, मीन्स अगर उसे हटाना हो तो, क्योंकि मुझे ना इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि सिंदूर बहुत लोग बोलते हैं फेंकना भी नहीं होता है। एंड प्लीज़ आप लोग मुझे बताना। तो यहाँ पे बिंदी, ये मम्मी का बिंदी का डब्बा है, तो ये मम्मी का ही है, तो मैंने पूछा कि चलो मैं इसमें सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि यहीं पर रखा रहता है, एक्स्ट्रा है उनका। एंड ये है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, तो मुझे रूम को ना थोड़ा सा सही भी करना है, पर्दे वगैरह लेके आऊँगी तो वो सब मुझे लगाना है। और ये एक पता नहीं ये क्या था, तो मैंने इसको थ्रो कर दिया, आई थिंक स्पॉच का था पहले का। तो कर्टन्स वगैरह लेके आने हैं मुझे, दीवार पे फ़ोटोज़ वगैरह लगानी है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने कुछ लगाया नहीं था। एंड ये है मम्मी की लिपस्टिक, तो मैं सेड देख रही थी कौन सा सेड है, और यहाँ पे सामने देवरानी से भी मैं बातें किए जा रही हूँ। एंड ये सब मैं इसी में साइड में ही रख दे रही हूँ, क्योंकि मम्मी का जो सामान है वो मैं एक पे रख दी हूँ। ये फ्लावर का जो पॉट है वो भी टूट गया है, तो मैंने यहाँ पे कॉफ़ी मग में ना यहाँ पे मम्मी ने लगा के रख दिया है। एंड ये तो मैं लेके आई थी सामान वहाँ से।
एंड इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दे रही हूँ। एंड ये जो डब्बे हैं ना, ये इसमें मेरे कुछ शादी वाले बैंगल्स थे, मीन्स लहंगे का सेट और विदाई वाली जो साड़ी होती है उसका सेट। तो सब कुछ मैंने अभी ना इधर उधर वहाँ भी कुछ लेके गई हूँ, कुछ मैंने अपने गोदरेज में लगा रखा है मीन्स अलमारी में। और इसको मैं अच्छे से डस्टिंग इसकी कर ले रही हूँ और उसके बाद ये सब कुछ साफ़ करते करते फिर मैं रखूँगी। तो यहाँ पे मुझे चूड़ी वाला ही डब्बा है तो उसमें चूड़ी निकल चुका है, तो मैं बाद में जैसे जैसे होगा ना टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं सेट करते जाऊँगी। एंड ये है मेरा आई शैडो, तो ये मेरी शादी वाला ऐसे ही पड़ा हुआ है ये। एंड उसके बाद ये सारे डब्बे हैं, तो कुछ खाली डब्बे भी हैं, तो चूड़ी वाले ही डब्बे हैं तो वो यूज़ में आ जाता है कुछ ना कुछ सामान रखने में। ये एक थैला टाइप का था तो मैंने इसको नीचे रख दिया, कभी ना कभी यूज़ में तो आ ही जाएगा। और मम्मी के कुछ सामान रह जाते हैं इसमें तो मम्मी अपने अकॉर्डिंग ही रख देती हैं। एंड ये जो चूड़ियाँ हैं ये सारे मेरी कांच की चूड़ियाँ हैं। तो आप लोग बोलते हो कि अपने बैंगल्स कलेक्शन दिखाना, तो मैं दिखा दूँगी। पता है मैं शाम हो गई, टाइम नहीं था, मतलब 3-4 के आसपास ऐसे कुछ टाइम हो रहा था शायद, मेरे को कन्फर्म याद नहीं है। तो ये सारी मेरी कांच की चूड़ियाँ हैं, एक दो ही अभी की होगी, बाकी सब शादी की है। शादी वाले सामान मेरे कुछ भी यूज़ नहीं हुए, सब कुछ ऐसे ना फेंकते गए ऐसा हो गया। ज़्यादा सामान नहीं लेना चाहिए पता है शादी के टाइम। तो ये एक्स्ट्रा सिंदूर है, इसी का मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं इसको क्या करूँ। एक तो मम्मी का है छोटा वाला जो पीतल का दिख रहा है, वो मम्मी का है तो मम्मी के उसको बास्केट में डालूँगी मैं। एंड यहाँ पे वो सब कुछ क्लीन करने के बाद मैं यहाँ गई थी बटरफ्लाई लगाने के लिए। तो इधर दीवार ना थोड़ा सा ना सीलन हो गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत मतलब सारे रूम में ना ऐसे हो गया है। तो मैं इसको बाद में इसको मैं बटरफ्लाई लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बेड को सही करने के लिए। तो बेड शीट मैं चेंज करूँगी। तो बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद मैं लगाने लगी हूँ अभी झाड़ू, क्योंकि लास्ट झाड़ू ही था। पोछा मैं नहीं लगाऊंगी, पोछा कल लगेगा, लेकिन झाड़ू मैं लगाते रही क्योंकि बहुत सारे गंदे गिर गए थे इधर से भी, मैंने साफ़ किया था। जो भी एक्स्ट्रा सामान था उसको मैंने नीचे ही थ्रो कर दिया था। तो यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे सामान है। यहाँ पे मुझे ना प्यास लग गई थी तो मैं पी रही हूँ पानी, एंड उसके बाद फिर से मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी क्योंकि थोड़ा रेस्ट करना तो बनता ही है। एंड उसके बाद ये जो झाड़ू इधर लगाने के बाद सोफ़ा का कवर मम्मी ने 2 दिन पहले ही चेंज किया था। मैं जिस दिन आई थी उस दिन बेडशीट भी चेंज की थी, सोफ़ा कवर्स वगैरह भी सब मम्मी ने चेंज किया था। एंड उसके बाद यहाँ पे जो सामान है ये थैले में आप देख रहे हैं, मैं कल जो इस पॉश के लिए बताई थी ना कपड़े लेके आई हूँ वही है, मैं तो दिखा नहीं पाई आप लोगों से, सो सॉरी। एंड ये जो सामान है इसको मैं रख दे रही हूँ, और ये जो थैला है मैंने सोच रही हूँ इसी में सारा कुछ मैं उठा दूँ क्योंकि बड़ा थैला था, और ड्राई वाला ही कूड़ा है समझो, तो ड्राई है तो मैं उसमें भर दूंगी उसको, एंड उसके बाद वो थ्रो हो जाएगा। Thank you.
फाइनली मेरी बेडरूम की जो क्लीनिंग है वो हो चुकी है। थोड़ा सा डस्टिंग करना था और थोड़ा सा सामान अरेंज करना था। मैंने ड्रेसिंग का सारा सामान निकाल के फिर से उसको ठीक किया और बेड के अंदर जो थोड़े थोड़े डस्ट थे उसको मैंने क्लीन किया। बेडशीट चेंज करी, अभी कपड़े वॉश करने के लिए मैं लगा रखी हूँ। थोड़े एक बार हो चुका है, बस लास्ट है और उसके बाद में उसको स्पिन करूंगी। तो फाइनली बस ये मेरी क्लीनिंग क्लीनिंग की वीडियो है। जो गोदरेज है उसको, उसमें के जो कपड़े हैं वे मैं कल या फिर परसों ठीक करूंगी। अभी उसको ना पता है ठीक करने का मन नहीं हो रहा है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आपको क्लीनिंग की वीडियो कैसी लगी? बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं क्लीनिंग की वीडियो यहाँ की बनाऊं और दिवाली आ रही है तो मुझे क्लीनिंग करना ही था। दिवाली पे सभी क्लीनिंग करते हैं तो दिवाली पे सब अपना घर साफ, तो ऑलमोस्ट घर के जो भी क्लीनिंग है वो हो चुकी है, लेकिन थोड़े बहुत रह गए हैं तो वो धीरे धीरे कर लेंगे, अभी बहुत ज्यादा टाइम है। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आते हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बाय बाय, टेक केयर।